दर्शकों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं देवी माँ के एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसके रहस्य को आप जब जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बता दें आपको कि ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत है और इसकी काफ़ी मान्यता भी है। ऐसे में इस मंदिर में एक अनोखा रहस्य भी छिपा हुआ है। जानकारी के लिए बता दें आपको कि ये चंपावत जिले में पर्वतों की श्रेणियों के बीच मौजूद है ये मंदिर। बता दें कि ये मंदिर उत्तराखंड का मंदिर है जो कि बेहद ही खूबसूरत है, लेकिन इस मंदिर का एक रहस्य है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। जानकारी के लिए दर्शकों आपको बता दें कि यहाँ पर माँ को प्रसन्न करने के लिए खून बहाए जाते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन अगर किसी ने भी सीधी आंखों से माँ के दर्शन कर लिए तो उनकी आंखों की रोशनी तक चली जाती है। और ये मंदिर है उत्तराखंड के लोहा घाट से करीब 70 किलोमीटर देवीधुरा में एक कस्बे में। इस मंदिर का नाम है माँ वाराही देवी मंदिर। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। वहीं जब श्रावणी पूर्णिमा आती है, यानी कि रक्षाबंधन का वो खास दिन आता है, तो ये परंपरा है यहाँ पर बगवाल यानी कि पत्थरमार युद्ध का आयोजन होता है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये मंदिर काफ़ी प्रचलित है। वहीं माँ बाराही देवी मंदिर में चंपा देवी और लाल जीव वाली महाकाली की मूर्ति भी स्थापित की गई है। दरअसल कहा जाता है कि यहाँ मंदिर के पास रहने वाली स्थानीय जाति महर और फरतियाल के लोग बारी बारी से नरबलि देकर माँ को प्रसन्न करते हैं, जिसकी वजह से इस मंदिर की काफ़ी मान्यता बताई जाती है। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस मंदिर की स्थापना के बारे में इतिहासकारों का कहना है कि उस समय इस स्थान पर रूहेलों ने कत्यूरी राजाओं पर आक्रमण कर दिया था, और वहीं लोग अपनी जान बचाने के लिए कत्यूरी राजाओं ने वाराही की मूर्ति के साथ घने जंगलों के बीच बसी गुफा में शरण ले ली थी। इसके बाद गुफा में मां की मूर्ति को स्थापित किया गया, वह मां की पूजा आराधना करने लगे थे। वहीं जो भी मुराद मांगते थे तो वो पूरी हो जाती थी। धीरे धीरे दूर से भक्त लोग यहाँ पर माँ के दरबार में अर्जी लगाने के लिए पहुँचने लगे थे, जिसके बाद से इस मंदिर की मान्यता बढ़ती चली गई। बता दें आपको कि इस मंदिर की मान्यता है कि अगर कोई भी माँ की इस मूर्ति के सीधे दर्शन कर लेता है तो उसकी आँखों की रोशनी चली जाती है, और यही वजह है कि माँ की मूर्ति को ताम्र पेटिका में रखा गया है जिससे कि कोई उन्हें सीधे तरीके से ना देख पाए। अब बात करते हैं यहाँ की कथा की। दरअसल माँ काली के गणों को प्रसन्न करने के लिए नर बलि की प्रथा यहाँ पर थी, और इसी प्रथा को निभाने के लिए जब नर की बारी आई तो एक वृद्धा का इकलौता पोता था। बता दें आपको कि वृद्धा की माँ से उसके प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना भी की थी। वहीं देवी माँ वृद्धा से प्रसन्न हो गई और उन्होंने ये कहा कि एक व्यक्ति के बराबर उन पर खून चढ़ाया जाए, और ऐसे में तभी से बगवाल यानी कि पत्थरमार युद्ध की परंपरा यहाँ पर शुरू हो गई। वहीं यहाँ पर इसी मंदिर के परिसर में हर साल बगवाल मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें कि कई तमाम लोग इस में शामिल होते हैं। यहाँ पर माँ की पूजा के बाद मैदान में युद्ध करते हुए लोग आपको नजर आ ही रहे होंगे, जहाँ हर तरफ पत्थर बरसाए जाते हैं, और इसी यानी कि पत्थरों से बचने के लिए लोग अक्सर अपने आप को बचाने के लिए बांस से बनी ढाल का प्रयोग भी करते हैं। जैसा कि आप हमारी इस रिपोर्ट में देख ही रहे होंगे कि लोग कैसे खुद को बचाने के लिए ढाल का उपयोग कर रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर इस युद्ध में पत्थर प्रयोग पर रोक लगने से अब यहाँ पर फलों और फूलों से लड़ा जाता है। सरकार ने यहाँ पर पत्थरों से लड़ने के लिए रोक लगा दी है। वहीं इस युद्ध की बात की जाए तो ये युद्ध 3 से 10 मिनट तक चलता है और 15 दिनों तक ये मेला आयोजित किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए महाभारत के काल की, तो महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पर निवास किया था और भीम ने खेल खेल में पहाड़ी के छोर पर कई शिलाएं भी फेंकी थी। वहीं 2 शिलाएं आज भी इस मंदिर में मौजूद हैं,
जैसा कि आप हमारी इन तस्वीरों में देख ही रहे होंगे कि शिला यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें रामशिला के नाम से जाना जाता है। वहीं एक और शिला है जिस पर हाथों के निशान भी मौजूद हैं। तो दर्शकों, ये था वो खास मंदिर जो देवी माँ का मंदिर है, और यहाँ पर जब लोग दर्शन करने आते हैं तो सीधे सीधे अपनी आंखों से माँ के दर्शन नहीं कर सकते हैं, और यही वो रहस्य है जिसकी वजह से इस मंदिर को जाना जाता है। आपको हमारी आज की ये खास रिपोर्ट कैसी लगी, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।